मेरे YouTube चैनल यूट्यूब पर आपका स्वागत है नमस्कार मैं हूं नरेश कुमार सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी दे रहे हैं दोस्तों आज बात करेंगे गुरु की देव गुरु बृहस्पति बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं आपकी कुंडली में बहुत अहमियत रखते हैं कुंडली में बारह भाव होते हैं जिनमें से चार भावों के कारक ग्रह गुरु होते हैं तो गुरु किन किन भावों के कारक हैं सबसे पहले तो धन भाव दूसरा भाव इसके कारक गुरु हैं पांचवा भाव सुत भाव इसके कारक गुरु हैं नौवा भाव भाग्यशान इसके कारक गुरु हैं और ग्यारहवा भाव आपकी आय का भाव आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव आपके कर्म के फल का भाव इसके कारक गुरु हैं अब ये चारों चीज़ें लाइफ में से मिस कर दें या इसको न, निकाल दें तो आपकी लाइफ में बहुत कम चीज़ें बचती हैं क्योंकि धन के बिना संतान के बिना फैमिली के बिना इंसान जो है वो अधूरा फील करता है और भाग्य के बिना और ये सारी चीज़ें गुरु से आती हैं अब गुरु जो है बहुत कम लोग होते हैं जिनको कुंडली में गुरु की महादशा मिलती है और जब गुरु की महादशा मिलती है और गुरु आपकी कुंडली में अच्छा फल करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाइफ में सारे सुख मिलते हैं और आप जो हैं वो कंप्लीट फील करते हैं अब यहाँ पर कन्या राशि के जातकों की बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की बात इसलिए यदि आपकी उम्र पैंतीस साल से लेकर पचास साल के बीच है तो निश्चित तौर पर आप गुरु की महादशा से गुजर रहे हैं ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जातकों की उम्र 30 से 45 साल के बीच हो उनके ऊपर की ऊपर भी गुरु की महादशा चल रही होगी क्योंकि ये नक्षत्र के चरण का थोड़ा सा अंतर हो सकता है अदरवाइज हम 30 से 45 50 के बीच लेंगे तो सब के ऊपर इस समय गुरु की महादशा चल रही है और जो महादशा होती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वो रूलिंग प्लाइंट होता है आपका यानी कि पंद्रह या सोलह साल आपकी लाइफ में रूल कौन करेगा तो 16 साल जब रूल इस प्लान ने करना है गुरु ने करना है तो निश्चित तौर पर आपके लिए वो चीज़ें बहुत अच्छे फल करेंगी जब गुरु शुभ गोचर में आ जाएंगे अब गुरु पांच भावों में शुभ गोचर में रहते हैं कुंडली में बारह भाव होते हैं लेकिन कुछ भावों में अशुभ गोचर में चले जाते हैं अब कन्या राशि के जातकों को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कन्या राशि के जातकों के लिए जो गुरु का गोचर हो रहा है तीस अप्रैल को जो गुरु का गोचर होना है वो होना है स्थान के ऊपर से गुरु इस समय अष्टम में गोचर कर रहे हैं अष्टम का गोचर अच्छा नहीं होता यानी कि मान लीजिए दशानाथ ही डेड हो गया जिस रूलिंग प्लैनेट ने आपको फल करने हैं वो प्लैनेट ही फल नहीं कर पा रहा तो आपको आपको उसके फल अच्छे नहीं मिल पाएंगे अब उसमें जान आ जाएगी जैसे ही वो तीस अप्रैल को स्थान के ऊपर से गोचर करना शुरू करेंगे तो गुरु का नौमे का गोचर अच्छा है दशानाथ यानी कि रूलिंग प्लान आपका नौवे भाव से गोचर करेगा ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कैसे अच्छा हो जाएगा ये बताते हैं अब जब भाग्यस्थान के ऊपर से गुरु गोचर करेंगे तो सबसे पहले पांचवी दृष्टि से देखेंगे आपके चंद्रमा को अब चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि होना अपने आप में बहुत पॉजिटिविटी लाने वाला है चंद्रमा आपका मन होता है यदि इसके ऊपर कोई नेगेटिव प्लान का प्रभाव पड़ता है तो आप व्यथित फील करते हैं आप बेचैन रहते हैं आप डिस्टर्ब रहते हैं लेकिन जब चंद्रमा आपके शुभ प्लैनेट के प्रभाव में आता है बुद्ध जैसे शुभ प्लैनेट है शुक्र शुभ प्लैनेट है गुरु शुभ प्लैनेट है तो जब चंद्रमा इनके ऊपर से आता है या इनको देखता है तो आप चंद्रमा के ऊपर इनकी दृष्टि होती है तो निश्चित तौर तो पर आप पॉजिटिव फील करते हैं आपका थॉट प्रोसेस चेंज होना शुरू होता है लाइफ के प्रति या आपके सराउंडिंग्स के प्रति या आपके वर्क प्लेस के प्रति जहां पर भी आप काम करते हैं दोस्तों में रहते हैं फैमिली में रहते हैं वहां पर आपका एटीट्यूड आपका बिहेवियर थोड़ा सा पॉजिटिव होना शुरू होता है जब जब आप शुभ ग्रह के प्रभाव में आते हैं आपका जब चंद्रमा शुभ ग्रह के प्रभाव में आता है तो ये हो रहा है तीस अप्रैल के बाद से तीस अप्रैल को चंद्रमा आपका गुरु के प्रभाव में आ जाएगा आप निश्चित तौर पर थोड़ा सा एंथिजम भी फील करेंगे थोड़ा सा हेल्दी भी फील करेंगे थोड़ा सा मानसिक तौर पर अपने आप को मजबूत भी फील करेंगे जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो आपको निश्चित तौर पर फैसले लेने की ताकत अच्छी आ जाती है आप में आप काम अच्छा करते हो और आप थोड़ा सा दोस्तों के साथ रिलेशनशिप में भी अच्छे रहते हो फैमिली के साथ भी आपका रिलेशनशिप कॉर्डियल रहता है अब गुरु जब नवें भाव में गोचर करते हैं तो तीसरे भाव को देखते हैं तीसरा भाव आपका पराक्रम का भाव है आपका छोटा भाई यहीं से आता है यानी कि छोटे भाइयों के साथ यदि किसी तरह की कोई परेशानी चल रही है कोई सहयोग नहीं मिल रहा है या उनकी हेल्थ कोई इशू हो रहा है तो निश्चित तौर पर गुरु यहाँ पर ब्लेसिंग जरूर देंगे आप कोई भी फैसला करेंगे वहाँ पर आप पूरा पराक्रम के साथ करेंगे अपनी कन्विक्शन के साथ करेंगे पूरा डिटर्मेंट होकर करेंगे और आप अपने फैसले में पूरे कॉन्फिडेंट नजर आएंगे जब हम कॉन्फिडेंस के साथ फैसला करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न बचती नहीं है आप आपने एक तय एक चीज़ तय कर ली कि ये करना है तो ये कर देते हैं आप उसको फिर उसके आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं जब हम कन्फ्यूज़ होकर फैसला लेते हैं तो वहाँ पर रिजल्ट भी थोड़े से हमारे एक्सपेक्टेशंस के अनुरूप नहीं आते अब यहाँ पर जब गुरु भाग्यस्थान में बैठे हैं तो एक दृष्टि आएगी गुरु की आपके पंचम भाव के ऊपर पंचम भाव संतान का भाव है पंचम भाव इजी गेंस का भाव है पंचम भाव हायर स्टडीज का भाव है पंचम भाव से हम जो है वो इनकम भी काउंट करते हैं तो यहाँ पर जब स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव हो जाएगा एक तो चंद्रमा के ऊपर से दृष्टि आ गई पांचवा भाव आपका स्टेट ऑफ माइंड है स्टेट ऑफ माइंड भी पॉजिटिव हो गया चंद्रमा भी पॉजिटिव हो गया तो निश्चित तौर पर आपके लिए दो 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 तरफ से गुरु की ब्लेसिंग होगी क्योंकि ट्रेंगल ही एक्टिवेट हो जाएगा कुंडली का आपकी तो यहाँ पर संतान भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि होने का मतलब यह है कि संतान की तरफ से या तो अच्छी खबर आ सकती है या आपके घर में संतान आ सकती है यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं तो गुरु की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं तीस अप्रैल के बाद तो निश्चित तौर पर यह समय अच्छा रहेगा संतान के लिहाज से संतान की आगमन के लिहाज से संतान की हेल्थ के लिहाज से संतान की तरफ से अच्छे समय समाचार के लिहाज से तो यदि आपका कुछ इन्वेस्टमेंट है कहीं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पर भी हो सकता है आपको गेंस जो है वो 30 अप्रैल के बाद अच्छे मिले मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं ब्लेस उसकी बात नहीं कर रहा आपको स्पेकुलेशन की बात नहीं कर रहा स्पेकुलेशन मत की जाए हाँ इन्वेस्टमेंट में आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे तो पांचवें भाव के सिग्निफिकेंस एक्टिव होने का मतलब है कि ये त्रिकोण का दूसरा सबसे शुभ भाव होता है और जहाँ पर गुरु का गोचर हो रहा है वो कुंडली का पहला सबसे शुभ भाव होता है तो ये ट्रैंगल जब एक्टिवेट है गुरु के द्वारा तो निश्चित तौर पर कन्या राशि के जातकों को तमाम जातकों को गुरु के इस गोचर के अच्छे फल मिलेंगे क्योंकि गुरु जो है वो अच्छी पोजीशन में है शुभ गोचर में है और आपको अच्छा फल करेंगे अब मैं जाते जाते एक गुरु की रेमेडी ज़रूर शेयर करूंगा क्योंकि दशानाथ यही है इसी को ही आपने इसी की ही आपके रेम आपने रेमेडी करनी है इसी को ही मजबूत करना है तो गुरु किन चीज़ों के कारक हैं गुरु ज्ञान के कारक हैं सबसे पहले गुरु फलदार पेड़ों के कारक हैं तो गुरु के उपाय के तौर पर दो चीज़ें आप कर सकते हैं एक तो यदि कोई बच्चा आपके इर्द गिर्द है और उसको स्टडी की जरूरत है या स्टडी में हेल्प की जरूरत है वो हेल्प एक पेन के रूप में भी हो सकती है एक कॉपी सिंपल रजिस्टर के रूप में भी हो सकती है एक ट्यूशन फीस के रूप में भी हो सकती है जिस आपकी असिस्टेंस से किसी बच्चे को ज्ञान मिलता है तो वो गुरु का बेहतरीन उपाय है पहला उपाय ये कहीं भी सराउंडिंग में देखिए एक बच्चे की स्टडी में जरूर हेल्प करिए किसी भी तरीके से करिए आप दस रुपए अफोर्ड कर सकते हैं तो दस रुपए में करिए तो यह एक बहुत अच्छी रेमेडी है गुरु की एक दूसरा जो गुरु हैं वो फलदार पेड़ों के कारक ग्रह हैं हमारा शास्त्र कहता है कि यदि आप संतान पैदा करते हैं तो उसकी संभावना हो सकती है कि वो अच्छी ना निकले लेकिन एक जब यदि आप पेड़ लगाते हैं तो उसकी कोई संभावना नहीं है कि वो पेड़ अच्छा नहीं निकलेगा वो पेड़ बड़ा होकर छाया देगा ही देगा वो पेड़ बड़ा होकर फल देगा ही देगा तो गुरु तो वैसे भी फलदार पेड़ों के कारक ग्रह हैं एक पेड़ लगाइए फलदार पेड़ लगा लीजिए अपने अंगल में लगा लीजिए और देखिए कैसे जैसे, जैसे जैसे वो पेड़ ग्रो करता है जैसे जैसे उसके फल आपको मिलते हैं वैसे वैसे ही गुरु के फल भी आपको मिलते हैं तो ये दो उपाय गुरु के बहुत अच्छे उपाय हैं हालांकि मैं आपको दान का उपाय भी बता सकता हूँ मंदिर में जाइए चने की दाल दान दे दीजिए ये, ये स्टैंडर्ड उपाय है पुखराज पहन लीजिए ये स्टैंडर्ड उपाय है ये कर लेते हैं लेकिन ये जो मैं दो उपाय बता रहा हूँ इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है पेड़ में एक बार पैसा लगेगा आपका हो सकता है सौ डेढ़ सौ रुपये लगे दो सौ रुपये लगे कहीं से भी आप लेके आए आ, अमरूद का पेड़ ला सकते हैं सेब का ला सकते हैं कहीं पर भी जो जो भी आपके यहाँ पर सीजनल फ्रूट फ्रूट होता है कोई भी एक पेड़ लगा लीजिए और उसको आपने सिर्फ ध्यान रखना है जैसे आप अपने बेबी का ध्यान रखते हैं उसको ग्रो करेंगे तो उसके फल आपको आप खुद महसूस करेंगे इसको और दूसरी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ बच्चे की हेल्प वो तो दस रुपये में भी हो सकती है पेन लेके देंगे वो भी गुरु का उपाय है तो ये उपाय ज़रूर करिए निश्चित तौर पर आपको इसके अच्छे फल मिलेंगे गुरु आपके ऊपर ब्लेसिंग्स जरूर करेंगे तो ये कन्या राशि के जातकों को 2024 का गुरु के गोचर का फल है ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार